गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज अक्टूबर की 17 तारीख हो चुकी है और यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हो, ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिल चुके हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो कितने खूबसूरत और फ्रेश दिख रहे हैं ये। तो ये सुबह ही खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो ये मैंने गर्मियों में इसके सीड्स डाले थे और ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये। तो आज देखिए मैं अपने टेरेस गार्डनिंग की कुछ अपडेट्स आपको दूंगी। मसलन ये हमारी लौकी है, इसके कुछ पत्ते सूखना शुरू हो चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो चुका है। दिन में तेज़ धूप होती है और सुबह और शाम ठंड होने लगी है, तो ऐसे में पत्ते ये टेम्परेचर झेल नहीं पाते। और यहाँ हमारी देखिए ये पहली लौकी बन रही है, आप देख सकते हो, तो ये एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी। चलिए अब अपने सीडलिंग की हालत देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो जर्मिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस ये एक में शुरू हो चुका है। इसमें मैंने देखिए जुकनी के सीड्स डाले थे और आप देख सकते हो एक जुकनी के सीड्स खिल ये जर्मिनेशन हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लेटस के सीड्स डाले थे, तो इसमें भी अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ अभी। तो अब चलते हैं, तो यहाँ देखिए ये अभी मेरे कुछ करेले लगे हुए हैं, इनको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अभी ये छोटे हैं। और मैंने अभी हार्वेस्टिंग भी की थी करेले की, और तो उसकी वीडियो अभी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा देखिएगा वीडियो। और यहाँ देखिए ये देखिए दूसरी लौकी बन रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो, तो ये एक हफ्ते में ही तैयार हो जाएगी। और हम यहाँ पर आज ये बीट रूट्स के भी सीड्स लगाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ देखिए दे हमारी, यहाँ मैंने कसूरी मेथी लगाई थी, तो यहाँ भी देखिए थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन इसका स्टार्ट हो चुका है बीजों का, आप देख सकते हो हल्की हल्की सी आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ये मूली के सीड्स लगाए थे जो कि अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है। और यहाँ मैंने मटर के सीड्स लगाए थे, तो इसमें भी अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो एक दो दिन लग जाएंगे और इसको जर्मिनेट होने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखिए बोगेनविलिया की ये फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो। और ये मेरी पर्सनली फेवरेट बोगेनविलिया है, इसमें गुच्छे में पीच कलर में फ्लावर्स आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसके देखिए कितने फ्लावर्स खिल चुके हैं यहाँ पर अपराजिता के। तो ये मैंने अभी अभी एक हफ्ते पहले ही अपराजिता पर काम किया था, इसमें मैंने कुछ फर्टिलाइज़र डाले थे, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर होगी, आप देख सकते हो। तो अगर आपके अपराजिता पर फूल नहीं बन रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपके अपराजिता पर भी ऐसे ही काफ़ी सारे फूल खिलेंगे। तो इसमें देखिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फूल खिलने के बाद ना डेड हेड बन जाते हैं, तो इनको आप रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपराजिता की भी देखभाल कर सकते हो, देखिए कितने फूल लग रहे हैं यहाँ पर। और ये वाइट वाली अपराजिता है हमारी, और ये देखिए यहाँ पर ये चीकू की भी ग्रोथ शुरू होने वाली है, देखिए शुरू हो चुकी है, नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं और देखिए ये फ्लावर्स भी खिलने लगेगा। और देखिए ये ना ग्राफ्टेड वाला पौधा है, ग्राफ्टेड चीकू का पौधा है ये। तो वैसे इसमें पहली बार भी फूल आए थे, पिछली बार भी फूल आए थे, लेकिन मैंने वो हटा दिए क्योंकि पौधा अभी काफ़ी छोटा है, तो ये फूल को एनर्जी अभी नहीं दे पाएगा, तो इसलिए मैंने उसके सीड्स जो वो फूल जो थे वो तोड़ दिए थे। और यहाँ देखिए मैक्सिकन पितूनिया भी देखिए खिल चुका है, और यहाँ पर ये हमारा गुड़हल खिल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी फूल बन रहे हैं। और यहाँ पर ना मैंने ये सर्दियों के ये फूलों के पौधे लगा दिए थे और अभी मैं और लगाऊंगी। तो ये मेरी हार्वेस्टिंग है आज की, अब देख सकते हो करेले अब छोटे छोटे होने लगे हैं, इसलिए मैंने ये पीले हो जाएंगे तो इसलिए मैंने इन्हें तोड़ ही लिया। और ये भिंडी हमारी है, तो ये मुझे मिली है आज की हार्वेस्टिंग। और ये देखिए यहाँ पर ना ये चेरी टोमेटो का प्लांट लगा हुआ था और धूप इतनी तेज़ है तो ये भी ख़राब हो गया। मैंने सोचा था कि मैं इसकी कटिंग लगा दूँगी तो मुझे सीड्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और चलिए अब मैं बीट रूट्स के सीड्स लगाती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये बीट रूट के सीड्स हैं, ये देखिए पालक के सीड्स की तरह ही होते हैं, तो यहाँ मैंने होल कर लिया है और होल में मैं एक से दो सीड्स लगाती जाऊँगी। और आप ध्यान रखिए क्योंकि
कि दो सीड्स के बीच में 1 से 2 इंच की दूरी हो। तो यहाँ ये मैं सीड्स लगाऊंगी, क्योंकि नीचे से बीट रूट फैलता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि दो सीड्स के बीच में दूरी 1 से 2 इंच हो। और मैंने ना इसी क्यारी में लगा दिए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास और जगह नहीं है। अभी देखिए करेले की बेल ख़राब नहीं हुई है, चली रही है। वैसे सर्दियों में शायद ये बचेगी नहीं करेले की बेल, तो मैंने फिर यहीं पर इसी क्यारी में सीड्स लगा दिए हैं। और यहाँ देखिए अपराजिता के भी सीड्स लगे हुए थे, अपराजिता के भी यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा यहीं लगा देती हूँ मैं। और ये देखिए मैंने अभी 10 दिन पहले ऐसे ही ये डाल दिया था, लगा दिया था ऐसे ही, और देखिए कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। ये लहसुन है हमारा, तो इसको मैं अलग लगाऊंगी अब। और देखिए इसकी रूट्स ना बहुत अंदर तक गई थी, तो ये मुझे निकालने में थोड़ा सा मुश्किल लगी। देखिए कितनी रूट्स हैं इसकी, और इसकी रूट्स ना काफ़ी अंदर तक चली गई थी। तो मैं इन्हें देखिए, मिट्टी तो मेरे पास है नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेत ले लिया है और इसी में मैं उगा दूंगी इन्हें। और जो दूसरा वाला जो है उसे मैं देखिए कूड़े में वैसे मैं उगा दूंगी। कूड़ा रखा हुआ है मेरे गार्डन का ही, तो मैं उसी में इसे उगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी तो है नहीं। तो देखिए हमें जब भी आप प्लांट्स वगैरह लगाते हो ना, तो मिट्टी की ना बहुत कमी होती है। तो आपके गार्डन से ही इतनी मिट्टी का कूड़ा वो निकलता है ना, तो पत्तियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो आप उसमें भी प्लांट्स लगा सकते हो। देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ये देखिए देखिए कितना कूड़ा निकला है मेरी छत से, आप देख सकते हो। तो मैं ये सारा कूड़ा यूज़ करती हूँ ये गमला को भरने के लिए। और इसमें देखिए रेता भी है, मिट्टी भी है, तो ये यूज़ कर लेती हूँ मैं। ऐसे ही आप भी यूज़ कर लिया कीजिए। तो इसी में ही मैं लहसुन को उगा दूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने सीड्स लगाई या नहीं सर्दियों के। हैप्पी गार्डनिंग।